तो गाइज रेडमी की नोट 11 सीरीज फाइनली 28 सितंबर को चाइना में लॉन्च हो चुकी है। और जो इस बार रेडमी की नोट 11 सीरीज हमें स्पेक्स और प्राइसिंग के साथ देखने मिली वो नो डाउट अनएक्सपेक्टेड है और काफी किलर है। और गाइज अब सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में वो पॉइंट चल रहा है वो है गाइज कि ये स्मार्टफोन सीरीज इंडिया में कब लॉन्च होगी और क्या कुछ इसकी प्राइसिंग होने वाली है। और इसी से रिलेटेड भी आपके भाई ने पर्सनली Xiaomi इंडिया से और मनु कुमार जैन से बात की है कि आप जल्दी से स्मार्टफोन सीरीज को इंडिया में भी लॉन्च कर दो। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाले बटन को काला कर दो और बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा दो क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो गाइस जैसा कि यह स्मार्टफोन सीरीज चाइना के अंदर तो काफी किलर प्राइसिंग के साथ देखने को मिली तो इंडिया में हल्का सा प्राइस चेंज हो सकता है क्योंकि आपको जो इंडिया में कस्टम ड्यूटीज लगती है और टैक्स लगता है वो कंपेरेटिवली चाइना से ज्यादा है। और रही बात इस स्मार्टफोन सीरीज के इंडिया लॉन्च की तो भाई हर बार जब भी ये चाइना में स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च होती है तो मनु कुमार जैन कुछ न कुछ ट्वीट करके बता देते हैं या हिंट देते हैं कि यह स्मार्टफोन सीरीज आपको कब तक लॉन्च होती हुई दिख सकती है। बट इस बार हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला तो ये हो सकता है कि यह स्मार्टफोन सीरीज इस बार आपको थोड़ी लेट लॉन्च होती हुई देखने को मिले और हो सकता है कि आपको मिड दिसंबर या फिर एंड ऑफ दिसंबर तक लॉन्च होती हुई दिख जाए। और गाइज अगर इसके हाइयर वेरिएंट रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स की अगर हम डिटेल्स की बात करें तो ऑलरेडी आपने अनबॉक्सिंग भी देख ली होगी, रिव्यू भी देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अगर प्रोसेसर की बात करें तो आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है जिसमें आप गेमिंग भी काफी तगड़े लेवल की कर सकते हो। इसके अलावा आपको 6.67 इंच जिसकी फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसमें आपको गेमिंग पर्पज से 120Hz का पैनल भी दिया जाता है। इसके अलावा आपको रियर पैनल के अंदर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिलता है जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर एंड 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है एंड आपको 120 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग एंड 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है एंड इसके अदर फीचर्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। तो फ्यूचर में यार इस स्मार्टफोन सीरीज के लॉन्च से या फिर प्राइसिंग से रिलेटेड भी कोई अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय एंड टेक केयर।